हेलो दोस्तों, मैं हूं दीपिका चौधरी। आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे चैनल ऑल इन्फो हिंदी में। कोरोना वायरस से बीमार मरीजों को फायदा पहुंचाने वाली पहली और एकमात्र दवा रेमडेसिविर से जुड़ा डेटा पहली बार प्रकाशित किया गया है। करीब एक महीने के ट्रायल के बाद अमेरिकी सरकार के साथ काम कर रहे वैज्ञानिकों ने दवा से जुड़ी स्टडी प्रकाशित कर दी है। डॉक्टर काफी वक्त से दवा से जुड़े डेटा की मांग कर रहे थे। nytimes.com की रिपोर्ट के मुताबिक वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि रेमडेसिविर दवा गंभीर रूप से बीमार कोरोना मरीजों को लाभ पहुंचाती है। बता दें कि अमेरिका का फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन भी रेमडेसिविर दवा के आपातकालीन स्थिति में इस्तेमाल की इजाजत दे चुका है। रॉयटर्स के मुताबिक अमेरिका के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ का कहना है कि रेमडेसिविर के ट्रायल से पता चला है कि ये दवा उन मरीजों को सबसे अधिक लाभ पहुंचाती है जिन्हें सिर्फ ऑक्सीजन की जरूरत होती है लेकिन वेंटिलेटर की नहीं। इस रिसर्च पेपर के प्रकाशित होने से पहले दुनिया भर के डॉक्टरों या रिसर्चर के पास रेमडेसिविर से जुड़ी बेहद सीमित जानकारी थी। इस दवा को गिलीड साइंस की नाम की कंपनी ने तैयार किया है। शुरुआत में रेमडेसिविर दवा को हेपेटाइटिस के लिए तैयार किया गया था लेकिन हेपेटाइटिस के इलाज में ये दवा कारगर नहीं रही। फिर इसे इबोला के इलाज में इस्तेमाल किया गया। इबोला के खिलाफ भी इस दवा ने हल्की मदद की। वहीं अमेरिका के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एलर्जी एंड इन्फेक्शन डिजीज की ओर से स्पॉन्सर की गई स्टडी को द न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन की वेबसाइट पर शुक्रवार शाम प्रकाशित किया गया। स्टडी में दावा किया गया है कि रेमडेसिविर दवा कोरोना मरीज के ठीक होने के समय को 15 दिन से घटाकर 11 दिन करने में सफल रही। स्टडी में कहा गया है कि 1063 गंभीर मरीजों को रेमडेसिविर दवा या प्लेसबो दिए गए हैं। असल में प्लेसबो असल दवा की तरह ही होती है लेकिन इसमें इनएक्टिव सब्सटेंस का इस्तेमाल किया जाता है। स्टडी के प्रमुख जांचकर्ता और नेब्रास्का यूनिवर्सिटी के डॉक्टर एंड्रे कलीन ने उल्लेख किया है कि न सिर्फ बीमार मरीजों को रेमडेसिविर दवा से फायदा हुआ बल्कि उनके ठीक होने का वक्त भी घट गया। डॉक्टर एंड्रे कलीन ने कहा कि गोरे, काले और लैटिन अमेरिकी सभी तरह के मरीजों को दवा समान रूप से फायदा हुआ। इतना ही नहीं, पुरुष और महिलाओं में भी लगभग बराबर लाभ देखा गया। वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी से जुड़े और स्टडी के जांचकर्ता डॉक्टर हेलेन चू ने कहा कि लक्षण दिखने के 10 दिन बाद या पहले दोनों ही स्थिति में दवा लेना एक जैसा असर करता है। दोनों ही स्थिति में दवा लेने पर असर एक जैसा ही रहा। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें। वीडियो में दी गई जानकारी के लिए आपकी कोई भी राय तो जरूर कॉमेंट करें। साथ ही और वैसे जानकारी भरे इस वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल ऑल इन्फो हिंदी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।